रिसेंट स्टडी के अनुसार कोकोनट ट्री से गिरने के कारण से 2015 से 2019 तक करीब 1980 कोकोनट ट्री क्लाइंबर्स के डेथ हो चुका है। मैनुअली कोकोनट ट्री पर क्लाइंब करने पर पिछले 10 साल में फ्रैक्चर, सीरियस एक्सीडेंट एंड कई सारे कारण के लिए लेबर क्राइसिस बढ़ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे एक इनोवेटर ने ऐसा मशीन बनाया जिसकी मदद से कोई भी सेफ्टी के साथ कोकोनट ट्री या एरिकोनट ट्री पर चढ़ सकता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे इनोवेटर मिस्टर मेविन जी से, जिन्होंने फार्मर्स का एक ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्व किया है और उसे कंटिन्यूसली बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे जो दर्शकों हैं उनको थोड़ा बताइए। ठीक है, मेरा नाम है शेविन कुमार मेबेन। मैं फाउंडर एंड प्रोपरेटर हूँ मेबेन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का, और बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सो इनिशियल डेज में मैं टोयोटा और इसमें महिंद्रा में काम कर चुका हूँ डिजाइन इंजीनियर की और प्रोडक्शन इंजीनियर का जॉब में। उसके बाद में मेरा अभी बचपन से एक कंपनी बनाने का एक ड्रीम था, इसलिए जब मैंने जॉब छोड़ के कंपनी बनाने का सोचा तो हम भी एक्चुअली फार्मर है, मेरा भी एक फार्म है, एरकनट का फार्म है। तो उसमें क्या है, बहुत लेबर का प्रॉब्लम आता था। तो मेरे कॉलेज डेज में 2012 में मैंने एक प्रोटोटाइप किया था, लाइक वर्किंग मॉडल किया था कुछ कॉम्पिटिशन के लिए। वो एरकनट ट्री क्लाइंबिंग का एक छोटा सा मशीन बनाया था। सो जब मैंने कंपनी छोड़ के, मेरा कंपनी जॉब वाला कंपनी है जो, उसको छोड़ के मैं अपना खुद का कंपनी बनाने का सोच रहा था, तब मैंने थिंक किया तो क्या कर सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन किया तो वही बिजनेस बनता है। तो वो उसका बीच का जो कनेक्शन है वही बिजनेस है। तो मैं आई थॉट वो मैं कर सकता हूँ क्या। उस टाइम में मुझे याद आया कि मेरा एक प्रोटोटाइप है और उसका बहुत डिमांड है। डिमांड मतलब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसी ने सॉल्व नहीं किया था ठीक से। तो मैंने थॉट थिंक किया कि इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं एक कमर्शियल मॉडल में 2017 में किया। ओके, रोबोटिक मॉडल का था तो बहुत वायरल हुआ था वो पहले दिन में। एरकनट को वो मशीन ही जाके तोड़ के लेके आता था नीचे, तो वो मेरा पहला प्रोडक्ट था। उसके बाद क्या हुआ, तो वो तो एक रोबोटिक टाइप का मशीन था इनिशियली, तो मशीन ही जाके तोड़ के आता था। और यहाँ का जो फार्मर है वो बोल रहे थे उसको नीचे से कंट्रोल करना थोड़ा उनको डिफिकल्ट रहता था, कंट्रोल करना वो रिमोट का वगैरह कुछ भी है वो डिफिकल्ट। उसके डिमांड से वो क्या किया कि हमको एक मशीन बनाओ कि वो हम बेड के ऊपर जा सकते हैं और जो भी फार्मिंग का हो, हार्वेस्टिंग हो, स्प्रेइंग हो, कुछ भी हो, हम ऊपर जाके कर सकते, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड जो भी है वैसे ही कर सकते। ऐसा वो डिमांड आया फार्मर्स का। तो हमारा एक फ्रेंड है, वो फार्मर फ्रेंड हमारा कस्टमर भी है, गणपति भट्ट बोल के, उन्होंने क्या किया, हमारा जो हार्वेस्टर है उसको अल्टर करके बैठ के बनाने का उन्होंने अल्टर किया। उसके बाद हमने उनको बोला कि ऊपर जाना तो बहुत रिस्की है, ऐसा करना, क्योंकि फ्यूचर में तो ऊपर जाके बैठ के जाने का आदमी भी मिलना डिफिकल्ट है, बट एज ऑफ नाउ जो भी है ऊपर जाके जो काम करता है वो स्पीड होता है, ऐसा फार्मर बोलता है, फार्मर का फीडबैक ऐसा है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, गणपति सर है ना उसके साथ मिलके, तो उनको भी हमारा टीम में शामिल करके हमने क्या किया, लाइक कमर्शियली पेड़ के ऊपर चढ़ने का एक मशीन बनाया, सो दैट वो कमर्शियली सेफ हो और काम भी आसान हो, ऐसा एक मशीन बनाया। उसके बाद वो बहुत वायरल हुआ, वो क्या है, अरकनट में बैठ के जाने का मशीन। उस टाइम में और भी हमको क्या, अभी हमारा 6th ईयर चल रहा है हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट, और ये फील्ड में मैं 10 साल से ज्यादा हूँ, 2012 से हूँ, मेरा कंपनी का 6th ईयर हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत लाइक फार्मर्स का फीडबैक आया, तो अरकनट को ठीक है लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम तो कोकोनट है, कोकोनट है, सिल्वर है। तो क्या उन्होंने बोला कि कोकोनट को एक मशीन बनाया तो अच्छा रहता, बट कोकोनट में बहुत बड़ा चैलेंज ये है, अरकनट का ट्री स्ट्रेट होता है, सो स्ट्रेट स्ट्रेट जाने के लिए कुछ डिफिकल्टी नहीं, इनिशियल डिफिकल्ट था लेकिन हमने उसको सॉल्व किया। उसके सेकंड प्रॉब्लम तो ये बेंड रहता है कोकोनट का और एंगल इंक्लाइन रहता है, तो इसमें क्या है, अगर हम ड्राइव करते समय हमको जिस साइड में टर्न करना है उस साइड में टर्न करने का एक ऑप्शन चाहिए मशीन, वही हमको 2 साल लगे R&D करने के लिए। मेबेंस के हमारा ये कंपनी में हमारा R&D टीम मिलके बनाया, सो हमको 2 साल लगा उसको बनाने के लिए। उसके बाद हमने मार्केट में छोड़ा तो बहुत अच्छा फीडबैक आया और रोटेशन भी परफेक्ट था। अभी अभी वो जो भी उसके बाद फार्मर्स के फीडबैक के हिसाब से हमने उसको चेंज करते करते आए। उसके बाद क्या हुआ, लाइक कस्टमर्स जो भी आ रहे थे, हमको एक अरकनट का है, कोकोनट का भी,
व्हाट इफ आपको एक ये दोनों भी एक ही में हो ऐसा मशीन बना सकते हैं क्या? और उसके उसके साथ उनको कुछ प्रूनिंग करना पड़ता है, कुछ ट्रीज को उसका ब्रांचेस को प्रूनिंग करना पड़ता है। तो हमारा ट्री वो एक कोकोनट को चढ़ता था और एक मशीन अरकनट को चढ़ता, उसके अलावा कुछ नहीं होता था उसमें। तो इसलिए उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि ऐसा कर सकते क्या। उसके बाद अभी अभी जो मशीन किया है, हमको बहुत लाइक फॉरेन से भी यही इंक्वायरी आ रही थी, तो इसीलिए हमने क्या किया, तो ये दोनों भी एक ही मशीन में हो ऐसा मशीन कर सकते हैं ऐसे बोल के ऐसे सोच के क्या कि हमने एक R&D टीम से मिल के और एक बार अगेन ट्राई किया। तो ट्राई करने के बाद और आई थिंक हमको एक साल लगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। अभी जो मशीन है अभी जो वेट भी बहुत कम है और इस ये तो अरकनट भी जा सकता है, कोकोनट में भी जा सकता है और जो भी हो मशीन 5 inches से 15 inches तक कोई भी राउंड वाला पेड़ हो तो चढ़ सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। सर इस पे ह्यूमन वेट कितना, ह्यूमन वेट तक ये प्रोडक्ट वेट ले पाएंगे, बॉडी वेट कितना होना चाहिए? हाँ, तो मशीन का वेट अराउंड 50 kg होगा, उसको छोड़ के 50 के अलावा एक एक ह्यूमन 75 kg का ह्यूमन जो है उसमें जाने का एक सेफ है तो हम बोलते हैं। लेकिन मशीन तो 100 kg के ऊपर कैरी करता है, मशीन के वेट छोड़ के बस आदमी का वेट 100 kg तक कैरी कर सकता, तो टोटल होगा 150 kg कैरी कर सकता है मशीन। लेकिन जो भी सेफ है ना तो 75 kg तो सेफ है, उसके ऊपर जाएगा तो हम भी प्रेफर नहीं करते, लेकिन लोग जाते हैं तो उनका रिस्क है। लेकिन 75 kg एक सेफ वेट, जो भी हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने को बोलते हैं अगर उनको वो करेक्टली फॉलो किया तो ऐसा कुछ हादसा नहीं हो सकता। उसके अलावा हम ऐसा तो गारंटी नहीं बोल सकते क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस है, बाइक है कार्स है उसमें भी एक्सीडेंट्स होता है, नो मैटर कितना भी सेफ्टी उसमें रखो कुछ तो हो सकता है, फेल हो सकता है। लेकिन हमने इसमें वही बड़ा बात है कि हमको वही एरिया में ज़्यादा स्ट्रेस लगाना है क्योंकि सेफ्टी मेन कंसर्न है। तो अगर कोई आदमी गिर ना जाए, कोई मैकेनिकल कुछ फेल हो ना जाए, अगर कुछ छोटा मोटा फेल भी हो जाए तो वो सेफली नीचे आ सके, यही इसमें चैलेंज रहता था और लाइक आदमी को बिठा के हम पेड़ चढ़ने का मेथड में। सर इसमें आप सेफ्टी फीचर्स क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हो किसानों को? अभी तक तो क्या है मशीन में, मशीन टोटल अभी 4 लिंक है, वो लॉक रहता है मशीन को। उसके अलावा हम बेल्ट देते हैं, बेल्ट और हेलमेट भी देते हैं। बेल्ट में हम क्या करना है, मशीन और आदमी लॉक हो जाता है, सो दैट अगर ऊपर जाएंगे तो आपको क्या हुआ डिजीनेस आया है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आया है तो आप क्या कर सकते हैं, वो बेल्ट आपको बचा लेगा। अगर पैनिक हो गया है तो हार्ट अटैक आया कुछ भी आए तो बेल्ट बचा लेगा। उसके अलावा क्या है, मशीन में टोटल 3 तरह से आप स्टॉप कर सकते हैं मशीन को। एक है इंजन का मेन ब्रेक रहता है, तो अगर वो नॉर्मल बाइक की तरह ही लीवर है, लेकिन अगर नॉर्मल बाइक में आप प्रेस करें तो वो ब्रेक एक्चुएट होता है। हमारा में अगर आपने दोनों हाथ भी छोड़ दिया तो ब्रेक एक्चुएट होता है, अगर आपको नीचे आना तो हाथ पकड़ के एक्चुएट करना पड़ता है। तो इसमें एक ब्रेक रहेगा तो ऑटोमेटिकली अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो वो स्टॉप होता है। और वो इंजन में निर्भर नहीं है, इंजन का कोई इसमें हाथ नहीं है, अगर इंजन ऑफ भी हो इंजन खराब भी हो तो मशीन का ब्रेक पकड़ता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। और एक ब्रेक है तो एक्सीलेटर का ब्रेक है, अगर आपको वो ब्रेक फेल हुआ, वो नहीं होगा फेल लेकिन हो भी गया तो एक्सीलेटर आप नीचे आते समय एक्सीलेटर देंगे तो क्लच एक्टिवेट होके और एक बार स्टॉप हो जाएगा मशीन। और वो भी फेल हो गया तो डिस्क ब्रेक रहेगा, डिस्क ब्रेक मैनुअल रहता है, उसका कोई इंटरवेंशन नहीं है, नॉर्मल बाइक की तरह डिस्क ब्रेक रहता है। अगर जो कुछ ये दोनों भी फेल होके नीचे आए तो उसको पकड़ लेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये 3 तरह का सेफ्टी रहेगा। ओके सर, अभी तक आपने कितने किसानों को आपका ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं? आई थिंक हमने अरकनट एक 350-400 पीस के ऊपर किया है अरकनट का, और ये कोकोनट का अराउंड 300 पीसेस के ऊपर किया है। अभी मल्टी ट्री बाइक है उसका बहुत डिमांड है, अभी अभी एक 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 अराउंड 30-40 पीसेस अभी तक गया है, लेकिन अभी 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 आए हैं वही मल्टी ट्री बाइक। लेकिन जो भी पिछले जो प्रोडक्ट्स है उससे उसके हिसाब से ये तो बहुत डिमांड में है, आज बहुत लोग आ रहे हैं, डेमो हो रहा है, तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके सर मशीन के बारे में थोड़ा हमें बताइए, उसका मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा हमें बताइए डिटेल्स में। ओके, बेसिकली हमारा जो भी मशीन है, अरकनट हो, कोकोनट हो, मल्टी हो, वो सब एक्चुअली ह्यूमन और लाइक एनिमल मैकेनिक्स में भी चलता है। लाइक जब भी आप देखते हैं तो एक बंदर या एक आदमी लाइक पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ता है, एक हाथ पेड़ के पिछले साइड में होता है और उसका पेड़ के क्या बोलते हैं अपोजिट साइड में होता है, तो ऐसे ऐसे लॉक होता है, ऐसे एक एक ये हाथ है पैर है ऐसा लॉक होता है। उसी तरह से हमारे मशीन में 2 टायर है, 2 व्हील 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 लगे हैं और रबर का व्हील है, वो
एक एक व्हील लाइक पेड़ के पीछे रहता है और एक आगे रहता है, वो दोनों घिस के पकड़ता है ट्री को, और उसके बाद एक आइडल व्हील रहता है। आइडल व्हील जो भी है वो ये दोनों मेन व्हील को ग्रिप लगा के रखने के लिए ये व्हील रहता है, तो उसमें शॉक अब्जर रहता है। और एक सेफ्टी है, अगर तीनों भी फेल हो गए तो वो ऐसा ही नीचे आ गया, तो उसमें शॉक अब्जर भी, वो मैं भूल गया उस टाइम में बोलने के लिए, वो उसमें शॉक अब्जर रहता है, वो नीचे आके शॉक अब्जर एक्शन करके वहीं पे बैठ जाएगा, कुछ 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 होगा नहीं। तो ये चार वाला सेफ्टी रहता है। तो शॉक अब्जर जो करता है वो एक इमरजेंसी टाइम में भी हेल्प करता है, और मशीन को स्टेबल रखने के लिए और लगा के रखने के लिए ये हेल्प करता है। उसके अलावा क्या है, उसमें चेन ड्राइव रहता है, तो इंजन से पावर व्हील तक चेन ड्राइव में जाता है, और वो डबल चेन रहता है, ये नॉर्मल वाला चेन नहीं है, डुप्लेक्स चेन हम लगाते हैं, और भी वो डायमंड ब्रांड का है, वो वही टॉप है, वही लगाते हैं क्योंकि वही मेन फीचर्स है, मेन मेन पार्ट भी है। और उसके अलावा डिस्क ब्रेक रहता है, उसके अलावा इंजन ब्रेक रहता है, और इंजन ब्रेक पहले पहले की तरह, पहले क्या होता था हमारा वो ब्रेक अभी एक एक 100 या 200 ट्री होने के बाद एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि वो वेयर होता था थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जस्ट लाइक एनी कार और समथिंग। अभी हमने क्या है, हमने रिसर्च करके एक 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 मटेरियल बनाया है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट एमएस का आता है, तो उसमें क्या रहता है आपको लाइफ टाइम वो घिसता नहीं, एक बार लगाया तो 3-4 साल तो बहुत आराम से चल जाता है, उसके बाद उसमें भी एडजस्टमेंट रहता है, तो एक एक होल नीचे डाल दिया तो और एक ज्यादा टाइम चलेगा। और उसके अलावा क्या है, उसमें अलावा लाइक आपको हैंडल रहता है पायलट लीवर, उसमें क्या था, अब अगर आपने पुल किया और पुश किया तो मशीन जाते समय रोटेट होता है, लेफ्ट को भी राइट को भी रोटेट होता है, उसी में आपको मशीन को स्टार्ट करना, एक्सलरेटर देना और ब्रेक सब कुछ उसी में रहता है। और इंजन का कैपेसिटी रहेगा 2.5 HP समथिंग, और उसका पेट्रोल का कैपेसिटी और टू स्ट्रोक इंजन है, उसमें आपको 2T ऑयल डालना पड़ता है, जैसे कि आप ब्रश कटर और उसमें जैसे ही डालते हैं उसी तरह डाल, और 1 लीटर का टैंक कैपेसिटी रहेगा। सर 1 लीटर टैंक में हम कितने पेड़ का मींस एक दिन में कितने पेड़ चढ़ सकते हैं? अगर आपको 1 लीटर में, 1 लीटर में अराउंड 70-80 ट्रीज चल सकता है, और ये सब क्या है उसमें डिपेंड करता है कि आदमी का वेट कितना है और ट्री का हाइट कितना है। एवरेज एक ट्री का एक 60 फीट हो और 50 फीट हो और मशीन का और आदमी का वेट अराउंड 60-70 kg हो, एक 70 ट्रीज हो सकता है उसमें, तो इतना सारे वेरिएबल्स है, जस्ट लाइक व्हीकल कार की तरह, बाइक की तरह कितना लोड डालेंगे उतना कम माइलेज देगा, और कितना लाइक इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना माइलेज देगा। ओके तो मींस जैसा हम लोग बाइक यूज करते हैं सिमिलरली हम ऐसे ही उनको यूज कर सकते हैं? यस यस। मतलब सर इस प्रोडक्ट में हम स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं राइट? हाँ मैडम, स्पीड कंट्रोल जस्ट लाइक आप बाइक में एक्सीलेटर देते हैं उसी तरह इसमें भी थ्रॉटल लीवर रहता है, अगर ज्यादा दिए तो फास्ट चलता है, थोड़ा दिए तो स्लो चलता है। ओके सर आपके एरिया में लेबर कॉस्ट कितना है, मैनुअली लेबर कॉस्ट कितना है? हमारे एरिया में लाइक अराकनेट को डिपेंड करता है मैडम, अराकनेट को एक ट्री एक वो ड्रम के हिसाब से लगता है, यहाँ पे स्प्रे करने के लिए एक ड्रम के लिए 1000 भी लेता है, सो एक एक एकर के लिए एक 4 ड्रम लगता है स्प्रे करने के लिए, तो 4000 होता है जस्ट फॉर द लेबर कॉस्ट। अगर आप अराकनेट को ये क्या बोलते हैं हार्वेस्ट करते हैं तो लाइक एक 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 बंच को एक 8 रुपए 7 रुपए ऐसा लगता है, तो एक एक पेड़ में समटाइम्स 2 रहता है 3 रहता है समटाइम्स 1 भी रहता है बंचेस। और अगर कोकोनट में आए तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि कोकोनट चढ़ लिया तो उसमें कितना भी नारियल हो, एक नारियल या 2 नारियल उसको देना पड़ता है जो भी चढ़ा, तो उसको बेच के वो बैलेंस कर, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ऐसे चलता है कुछ इलाकों में एक ट्री के लिए 100 रुपए लगता है, अगर एक नारियल भी हो 100 भी हो कुछ कितना भी हो तो उतना ही लगता है, और ट्री क्लाइम करने का उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है, तो वो बड़ा बड़ा स्किल है लाइक वो जो ट्री को क्लाइम करता है, लेकिन क्या है इस जनरेशन में उस टाइप का लोग नहीं मिल रहे, तो अभी इनोवेटेबल है कि हमको कुछ मैकेनिज्म करना ही पड़ेगा, मैकेनाइजेशन होना ही पड़ेगा अगर हमको हमारा फार्म को मेंटेन, क्योंकि लोग जाते जाते समय अभी 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 जो क्या ट्रेंड है अभी जो क्लाइम करने वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन लेकिन हमारा मिशन चलाने वाला कोई भी मिल जाएगा अभी, लेकिन अभी एक 10 साल के बाद वो भी नहीं मिलेगा, हमको एडवांस करते रहना चाहिए, और उसके बाद ऑटोमेशन तो इनेविटेबल है, हम करना ही पड़ेगा, तो ऐसा चल रहा है। सर इस प्रोडक्ट के यूज करने के बाद किसानों का क्या फीडबैक है सर? बहुत लोग बहुत खुश है सर, खुश है मैडम, अभी तक तो बहुत खुश है, फीडबैक भी बहुत अच्छा है, फार्मर्स जो यूज करे उन्होंने उनका फ्रेंड्स को रेफर किया और उसके बाद उन्होंने भी ले लिया, तो ऐसा
बहुत अच्छा है। इनिशियली एक बीच में क्या हुआ, हमारे एक R&D करने के टाइम में, अभी तक नहीं, एक एक साल का पहले का जो मॉडल थे, एक टाइम क्या हुआ, तो वो मशीन वर्किंग ठीक था लेकिन वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था और वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं थे। तो हमने क्या किया, उनको अगर रिटर्न बुला के हमारे हमने उनको अपडेट करके रिटर्न करके दिया। अभी जो नया वाला है, अभी जो नया वाला है बहुत बहुत हैप्पी है, क्योंकि इनिशियल डेज में अभी कार्स का भी होता है, हाँ, जो कार्स का भी, कंपनी का भी, जो भी मशीन बनाने का कंपनी होता है, समटाइम्स क्या होता है, हमारा R&D और हमारे टेस्ट में टाइम में करेक्ट रहता है। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम है, समटाइम्स हम ओवर एस्टिमेट करते हैं तो कुछ हमारा तो गलती हो जाता है, तो प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया होता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अभी क्या किया हमने, जो भी अभी एक साल पहले का तो जो भी था हमने रिटर्न ले लिया और उनको अपडेट करके दिया। सर, मशीन और मशीन बनाने के पीछे का आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लाइफ सेविंग मशीन बनाते रहे। आपको हमारे टूल्स पिलर की टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।